इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है, फोटो में एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। बद्रिका ने जो ये अभियान चलाया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन एक अभियान चलाया है। दीपावली का जो पर्व है वो दीपों का पर्व है और उसी से नाम दीपावली हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ, समय के साथ हम लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को, दीपक को छोड़कर अपन बिजली की जो होते हैं रोशनी करने लगे। और आज जो पत्रिका ने ये अभियान शुरू किया, हम सब साथ हैं और मेरा विश्वास है कि बाड़मेर की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश इस अभियान में उनके साथ है कि हम बिजली की जो रोशनी है वो ना करें, बिजली की लाइटें ना लगाएं, जो अपनी पुरानी संस्कृति है अपने घरों में दीपक से रोशनी करें। इससे न सिर्फ हमारी प्राचीन संस्कृति को हम सहेज सकते हैं बल्कि हमारे जो भारत की शान है, हमारे जो भारत के कामगार हैं, जो भारत में हमारे ये छोटे मजदूर हैं जो इन दीपक को बनाते हैं, उनकी भी हम एक तरह से मदद करके उनके घर में भी हम दिवाली कर सकते हैं, उनको रोशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पहल की गई है राजस्थान पत्रिका द्वारा और ये मुहिम जो चलाई गई है, बेसिकली ये महात्मा गांधी जी द्वारा भी स्वदेशी चीज़ों का अभियान मतलब अपनाने के लिए तो किया गया था और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए किया गया था, उसी कड़ी को अपन ने आगे बढ़ाया है और पत्रिका ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और यहाँ की जनता भी इसमें काफ़ी हद तक शामिल है और लोगों में काफ़ी जोश और जुनून है स्वदेशी अपनाने के लिए। इससे अपने कामगारों को और आम आदमी को जो है रोजगार से महरूम हो रहे थे उनको इसका फायदा मिलेगा और जो चाइना है जो अपना जो कि पक्षधर नहीं है वो अपने विपक्षी देशों का पक्षधर है और उसको मुद्रा को चोट पहुंचेगी तो उससे अपने को लाभ मिलेगा और वो अपने लिए वस्तुओं को विनिमय करने के लिए मजबूर होगा।